नमस्कार दोस्तों, आज हम स्वागत करते हैं आज आपका एक और नई वीडियो में वापस से। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे, हम अपने चैनल पे आपके लिए यूनिक से यूनिक प्रोडक्ट लाने की कोशिश करते रहते हैं। चाहे आप सहारा इवोल्स के लूना मॉडल को ले लीजिए या तुनवाल के T33 मॉडल को। वैसे ही आज हम TNR की तरफ से आपके लिए लेकर आए हैं एक इलेक्ट्रिक स्कूटर जो हमको मिलता है 3 व्हील के फॉर्म में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो पर्ल ऑटो इलेक्ट्रिक की साइट है वो लाइव हो चुकी है। आप किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटी का लेटेस्ट प्राइस चेक करना चाहते हैं या किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटी के स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप www.perlautoelectric.com वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे भी नाम आ रहा होगा या आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक पा सकते हैं, तो आप उस साइट पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं हर एक इलेक्ट्रिक स्कूटी के प्राइजेस। अब हम बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की। साइड प्रोफाइल में आप वैसा ही देख सकते हैं जैसे जो नॉर्मल स्कूटर्स आते हैं LML वेस्पा, उन्हीं की तरह बल्की रखने की कोशिश की गई है इसको, ताकि सेम उन्हीं जैसा फील आए, रेट्रो लुक आए इसकी। क्योंकि जो मेनली जो एज्ड पर्सन होते हैं उन्हीं के लिए ये बनाई गई है, जो हैंडीकैप है उनके लिए ये बनाई गई है। तो जो एज पर्सन होते हैं उनको काफ़ी पसंद होते हैं LML वेस्पा वाले स्कूटर, क्योंकि वो उन्हीं के टाइम से चलते आ रहे हैं। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें आपको फोल्डेबल दोनों ही साइड फुटरेस्ट दिए गए हैं, जिनको आप बंद भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। एक बटन से आप खोल सकते हैं और नॉर्मली पुश करके आप उनको बंद कर सकते हैं। बैक प्रोफाइल पे अगर आप देखें तो सबसे पहले आपका ध्यान जा रहा होगा इसके इंडिकेटर्स पे, जो आपको अलग से दिख रहे हैं इंडिकेटर्स, काफ़ी यूनिक इंडिकेटर इसमें लगाए गए हैं। और उसी के साथ अगर आप इसमें टेल लाइट देखें तो टेल लाइट आज तक किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटी या पेट्रोल बाइक, पेट्रोल स्कूटी किसी में भी नहीं आई है ऐसी टेल लैंप जो इसमें दी गई है। इसमें अलग सी यूनिक सी स्टाइलिश लुकिंग सर्कल कलर की टेल लैंप दी गई है, जो इसकी लुक को काफ़ी ज़्यादा एनहेंस करते हैं। उसी के साथ में इसमें आपको रियर मडगार्ड पे TNR की प्लेट मिल जाती है, जो TNR की नेम प्लेट है, जो इसको एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बना देता है। तो इसमें फ्रंट में जो आपको हेडलैम्प है वो, और उसके नीचे ही जो आपको एक इसकी लुक को एनहेंस करने के लिए यू शेप का DRL मिलता है, दोनों ही आपको LED मिल जाएंगे, जो इसकी बैटरी कंजप्शन को काफ़ी घटा देते हैं और इसकी बैटरी लाइफ को काफ़ी बढ़ा देते हैं। साथ ही में आपको जो इसमें इंडिकेटर हैं वो और जो पिछली टेल लैंप है वो, चारों इंडिकेटर और पिछली टेल लैंप आपको हेलोजन मिल जाएगी, और साथ ही में जो आपको प्लेट के ऊपर लाइट मिलती है वो भी आपको हेलोजन मिल जाएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके हैंडल बार की। तो हैंडल बार को अगर आप देखें तो इसमें आपको काफ़ी हद तक T33 जैसा आपको हैंडल बार देखने को मिल जाएगा। अगर आपने T33 वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जाकर देख सकते हैं, वो एक इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक का मिक्सचर है। तो अब हम बात आते हैं इसी 3 व्हील पे। अगर आप इसके हैंडल बार को देखें तो काफ़ी हद तक आपको T33 से मिलता जुलता इसका हैंडल बार मिल जाएगा, जिसमें आपको लेफ्ट साइड एक लाइट का अपर डिपर का स्विच मिल जाएगा, और उसी के नीचे इंडिकेटर का स्विच मिल जाएगा, और उसी के नीचे एक हॉर्न का स्विच मिल जाएगा। और उसी के अगर आप अपोजिट साइड राइट साइड जाते हैं तो सबसे पहले ऊपर आपको एक 1-2-3 गियर का ऑप्शन मिल जाता है, जो मतलब एज अ गियर इसमें यूँ नहीं है कि आपको क्लच दबानी पड़ेगी, पहला गियर डालना पड़ेगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इसमें आपको सिर्फ एक स्पीड को कंट्रोल करने के लिए एक बटन दिया गया है। अगर आप इसको पहले गियर पे कर देते हैं, पहले मोड पे कर देते हैं, इको मोड पे कर देते हैं एक तरह से, तो ये आपका 20-25 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चलेगा जो स्कूटर है। अगर आप सेकंड पे कर देते हैं तो ये आपका 30-35 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चलेगा। और थर्ड मोड इसका रेस्ट्रिक्ट किया गया है अभी, क्योंकि जो है थर्ड मोड इसमें आप नहीं लगा सकते, क्योंकि ये गवर्नमेंट के रूल्स के खिलाफ है अभी। बाकी फ्यूचर में आपको ये थर्ड मोड भी देखने को मिल सकता है, बाकी अभी सेफ्टी को देखते हुए ये थर्ड मोड को रेस्ट्रिक्ट कर रखा है कंपनी ने। उसी के नीचे अगर आप देखें तो आपको इसमें एक लाइट का स्विच मिल जाता है, जिसमें दो पॉइंट हैं। पहले पॉइंट पे आप इसका सिर्फ DRL भी यूज़ कर सकते हैं फॉग लैंप के तौर पे, और दूसरे मोड पे आप DRL और लाइट दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। उसी के नीचे अगर आप देखें तो आपको एक रिवर्स का फंक्शन मिल जाता है। हाँ जी, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये हैंडीकैप के लिए बनाई गई है, तो रिवर्स यू तो है नहीं, आपको नीचे पैर करके करने पड़ेंगे या उतर के रिवर्स करनी पड़ेगी। रिवर्स इसमें आप बैठे बैठे कर सकते हैं, सिर्फ एक बटन को दबाकर रेस देकर आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। रिवर्स में यूँ नहीं है कि आपको ये चोट मारने का खतरा वगैरह कुछ ऐसा नहीं है, 5-7 की स्पीड चलेगा ये ज़्यादा से ज़्यादा रिवर्स में। उसी के बाद हम बीच में, अगर दोनों साइड्स के बीच में अगर हम ध्यान दें
तो आपको इसका एक गोल सा प्यारा सा मिनी कूपर स्टाइल जिसे कहते हैं, एक टैकोमीटर डिजिटल मीटर मिल जाता है जिसके अंदर इसके रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप स्पीड से लेकर बैटरी से लेकर जितनी बैटरी बाकी है, वोल्टेज वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएगी। अगर आप स्पेस के मामले में इसके बात करें तो ये स्कूटी काफ़ी स्पेशियस है। अगर आप इसको देख पाएँ तो जैसे जहाँ पे पैर रखने की जगह है, जो फुटबोर्ड है इसका, वहाँ पे आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है। एज अ फोर हैंडीकैप तो काफ़ी कंफर्टेबल ये रहने वाला है। उसी के बाद जो इसका इग्निशन है, इग्निशन के साथ ही नीचे आपको डबल साइड पॉकेट्स मिल जाती हैं जहाँ पे आप अपना फ़ोन वॉलेट कैरी कर सकते हैं। उसी के बाद इसमें अंडर सीट सपोर्ट भी है, अंडर सीट इसमें काफ़ी जगह है जिसको आप एज अ डिक्की कहते हैं, उसमें आप काफ़ी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसमें आप इसका चार्जर रख सकते हैं, स्पैनर वगैरह टूल्स वगैरह भी रख सकते हैं। बाकी इसमें जैसा कि आप जानते हैं RC इंश्योरेंस लाइसेंस वगैरह किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो आपको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसके टायर्स को देखें तो आपको तीनों टायर आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेंगे। जो हैवी ड्यूटी टायर्स होते हैं आपको वो इसमें देखने को मिल जाएंगे। साथ ही में तीनों ही टायरों में आपको एलॉय रिम्स मिलेंगे जो काफ़ी इसकी लुक भी अच्छी कर देते हैं और इसकी स्टेबिलिटी यूटिलाइजेशन काफ़ी अच्छा कर देते हैं। साथ ही में अगर आप पीछे वाला देखें इसको, जैसे जो नॉर्मल थ्री व्हील काफ़ी कंपनियां बनाकर बेच रही हैं, काफ़ी जुगाड़ वगैरह ऐसा आप कह सकते हैं वो करके बेच रही हैं, पर TNR ने ऐसा नहीं किया है। TNR ने एक एज अ कार के एक्सेल को यूज़ किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं जो कार वाला एक्सेल है वो इसमें यूज़ किया गया है विद मोटर। जो इलेक्ट्रिक कन्वर्जन किट आती है कार टू, मतलब पेट्रोल डीजल कार टू इलेक्ट्रिक कार, उसी को मतलब करके इसके साइज़ का बनवाया गया है, जिससे इस स्कूटर को थ्री व्हील में कन्वर्ट किया गया है। तो ये काफ़ी आपके लिए एक अच्छा सेफ्टी फीचर भी कह सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें तीन व्हील आते हैं, थ्री व्हील ये स्कूटर है, तो आप जानते ही होंगे जब थ्री व्हील आ जाते हैं तो आपको ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी चाहिएगी। जो नॉर्मल ब्रेक्स हैं वो तो इसमें काफ़ी कम लगेंगे, और जैसा एज एक हैंडीकैप के लिए भी ब्रेकिंग तो काफ़ी अच्छी चाहिएगी। तो कंपनी ने इसमें पिछले दोनों व्हील्स में और अगले फ्रंट व्हील में भी, तीनों ही व्हील्स में डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। जो पिछले दोनों हैं वो लेफ्ट साइड से कंट्रोल होंगे ब्रेक, और जो फ्रंट है वो राइट साइड से कंट्रोल होगा। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है कि तीनों ही ब्रेक डिस्क दिए गए हैं, जो आपको काफ़ी हाई स्पीड, मतलब जो इसकी स्पीड है मैक्सिमम जो रेस्ट्रिक्ट की गई है वो है 35 से ऊपर आप इसको नहीं चला सकते सेफ्टी इश्यूज़ की वजह से। तो 35 की स्पीड पे अगर आप इसको रोकें तो ये काफ़ी आराम से इजीली रुक जाती है इसके डिस्क ब्रेक के कारण। तो अगर हम इसके सस्पेंशंस, इसके शॉक एब्जॉर्बर्स की बात करें तो फ्रंट में इसमें आपको दो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, और पीछे आपको स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं हम इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में जो हमको TNR की तरफ से मिलते हैं। तो सेफ्टी फीचर्स में सबसे पहला जो मेन सेफ्टी फीचर है वो है इसका एंटी थीफ्ट अलार्म। आप कहीं भी इसको खड़ी कर दीजिए, आप सेंटर लॉक लगा दीजिए तो कोई भी इसको छेड़ता है, हाथ लगाता है तो ये चिल्लाने लगेगी, आवाज़ करने लगेगी, जैसा कि अभी हम आपको एक डेमो करके दिखा भी देते हैं। तो इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने स्कूटी को लॉक करके खड़ी कर दिया है, अगर कोई भी इसको हाथ लगाता है तो ये एज अ बजने लगती है और काफ़ी ज़ोर की आवाज़ आती है, और इसके जो रियर व्हील्स हैं वो जाम हो जाते हैं, मोटर इसकी जाम हो जाती है। दूसरा सेफ्टी फीचर इसमें दिया गया है आपको हैंड ब्रेक्स का। तो जैसा कि आप देख ही पा रहे, इसमें मिडल स्टैंड, साइड स्टैंड कुछ नहीं आता, तो इसमें कंपनी ने हैंड ब्रेक दिए हैं। तो कहीं पे भी आप इसको खड़ी करें तो आप इसमें हैंड ब्रेक लगा सकते हैं, जो आपको हाथ में ही मिल जाते हैं, जो मतलब आप देख ही पा रहे हैं काफ़ी इजी टू यूज़ है ये हैंड ब्रेक्स। अब जो मेन बात है इस इलेक्ट्रिक स्कूटी के पावर ट्रेन की, इस स्कूटी में कितनी पावर है, कितनी जान है, कितनी वोल्टेज है, कितने किलोमीटर ये दे देगी। तो जैसा कि स्पीड आप जानते ही हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, रेस्ट्रिक्टेड है 35 पे, तो स्पीड ये आपकी 35 तक की चलेगी। वोल्टेज इसमें 60 वोल्ट में ये आपको स्कूटी मिलेगी। 5 बैटरी हैं इसके अंदर, लेड एसिड बैटरी का यूज़ किया गया है इसके अंदर। मोटर जो है वो आपको 1000 से 1200 वाट की इसमें मोटर मिल जाएगी। BLDC मोटर है जो मेनली ऑटो रिक्शा वगैरह में यूज़ होती है। तो साथ ही में इसमें लेड एसिड बैटरी है, जैसा कि आप जानते हैं, तो आपको स्कूटी की 1 ईयर की वारंटी मिलती है। और आप पावर ट्रेन में इसमें किलोमीटर आप इसके 65 to 70 नॉर्मली निकाल सकते हैं इसकी नॉर्मल स्पीड पे।
तो एज इस पावर ट्रेन के इस पावर के साथ ये स्कूटी काफ़ी यूजफुल रहेगी जो ज़्यादा एज पर्सन है उनके लिए भी, जो हैंडीकैप्स है उनके लिए भी। अगर आप इसका प्राइस वगैरह कंफर्म करना चाहते हैं या और कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं साइट को www.perlotoelectric.com और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर दीजिए और अगर कोई हैंडीकैप है या ज़्यादा एज पर्सन है तो आप उनको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं।